दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश पारिक आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है अपना वेंड्रोप स्वीट, रिटन बाय आरके नारायणन। इस चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करें तो वेंडर का मतलब होता है सेलर, और इस नॉवल के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं वेंड्रोप स्वीट्स नॉवल की। इसका जो अपने बात की थी इससे पहले, मेन कैरेक्टर जो है वो है जगन, जिसका फुल नेम है जगन्नाथ। इसकी वाइफ का नाम आता है अंबिका, सन का नाम आता है माली। जब अंबिका और जगन की शादी के 10 साल बाद भी माली का जन्म नहीं होता है तो ये किसी बच्चे के बर्थ के लिए बद्री हिल नामक स्थान पर सनातन कृष्णा टेम्पल है वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद माली का जन्म होता है। इसकी जो स्वीट की शॉप है वो मार्केट रोड पे है, जहाँ पे 4 कुक्स है और एक हेड कुक है जिसका नाम है शिवारमन। ये सुबह 5 बजे उठता है, 5 बजे नहाता है और 9 बजे अपनी दुकान डेली ओपन करता है। जगन का जो हाउस है उसकी जो लोकेशन है वो है बिहाइंड लोली स्टेचू। इसकी फिलोसफी की बात करें जगन की तो ये कहता है कि कॉन्कर टेस्ट एंड यू विल हैव कॉन्कर द सेल्फ, कि अगर आपने टेस्ट को कंट्रोल कर लिया तो आपने खुद को कंट्रोल आप कर लोगे। ये इस नॉवल की पहली लाइन भी है जो कि जगन की फिलोसफी है। जब ये नॉवल बिगिन होता है तो जगन की एज होती है 55 ईयर, जब ये नॉवल एंड होता है तब इसकी एज होती है 60 ईयर ओल्ड। जगन जो है वो जीबा और धोती पहनता है, डेली 1 घंटे वो चरखा काटता है। जगन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। अब वो वेंड्रोप स्वीट है, एक मिठाई बेचने वाला है। इसका एक हेल्पर होता है, या अपने बोल सकते हैं इसको एक एडवाइज़र है इसका, एक कजिन उसके लिए कहता है कि ही मास्टर्ड एवरीथिंग बट द आर्ट ऑफ लुकिंग हैप्पी। ये बात कजिन के द्वारा की जाती है जगन के लिए। जगन अपनी दुकान में जिस चेयर पे बैठता है उसके ऊपर एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, और वो है गोडेस लक्ष्मी का, जिसको वो डेली जास्मिन्स के जो फूल है वो ऑफर करता है। जगन अपने दुकान में केस को डेली शाम को 6 बजे काउंट करता है, और 6 बजे तक जितना केस आता है उसको वो एक लेजर के अंदर एंट्री करता है, और उस केस को वो एक बड़े सारे ब्रॉन्ज जग में कलेक्ट करता है। उसके बाद 6 से 7 बजे के बीच में जो केस आता है उसको वो नाम देता है फ्री केस, और उस फ्री केस की जो एंट्री होती है वो एक स्मॉल नोटबुक के अंदर एंट्री करता है, और ये जो फ्री केस है वो इनकम टैक्स से बचाने के लिए उसको यूज़ करता है। हालांकि जगन जो है वो 6 बजे अपना केस काउंट करता है, लेकिन वो सिक्कों की आवाज़ से नफरत करता है, इसलिए सिक्कों के नीचे वो हमेशा अपनी टॉवल रखता है। जगन जो अपने आँखों के ऊपर ग्लासेस पहनता है वो येलोइश फ्रेम्स उसकी शेप है, नेरो आलमंड शेप है उसके साथ में। अब जगन की दुकान में अपने चेयर की बात करें तो एक सेंचुरी ओल्ड चेयर है जो उसके पिता के द्वारा बनाई गई थी, और उनके पिता के द्वारा बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनका नाम आता है मिस्टर नोबल्स, उनके लिए बनाई गई थी, जो क्या है जगन के फादर के पास में एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आते थे। जगन जो है डेली 1 घंटा चरखा काटता है, जिससे इनकम होती है उसको मंथली 5 रुपीज़ के आसपास, जो कि वो एक लोकल हैंडलूम के अंदर उनको देता है। जो शूज पहनता है वो पहनता है डेड एनिमल, और डेड एनिमल भी कौन से, जिनकी जो डेथ होती है वो एक नेचुरल तरीके से होती है। हालांकि जब पहले वो क्या है कि जो लेदर का काम था वो घर के अंदर करता था, जो उसकी वाइफ अंबिका को पसंद नहीं था, लेकिन अंबिका की जब डेथ होती है तो उसका लास्ट इच्छा भी यही होती है कि आप जो है वो ये लेदर वाला काम छोड़ दो। उसके बाद वो लेदर को जो परचेज करता है शूज को, वो अल्बर्ट मिशन पर एक कॉबलर होता है मोची, उससे वो परचेज करना स्टार्ट कर देता है। जगन की एक बुक होती है नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट, जो
ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस के पास में प्रिंट होने के लिए दी गई है और इस ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस का जो ओनर है वो है नटराज। जगन के दो सेवियर माने जाते हैं, एक तो आता है चिन्नादुराई, एक आता है कजिन, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस है वो है कजिन, जो कि उसकी दुकान पे डेली शाम को 4:30 बजे आता है। उसका काम एक ही होता है कि बस जो कि भी कोई नई स्वीट्स बनी हैं उन स्वीट को टेस्ट करना। जगन की वाइफ की जब डेथ होती है तो उसके लास्ट वर्ड होते हैं कि थ्रो अवे द लेदर। फुल नेम ऑफ लोली जो लेलू स्टैचू है उसका जो पूरा नाम है वो है सर फ्रेडरिक लोली, और जगन की दुकान में जो हेड कुक आता है उसका नाम आता है शिवा रमन। इसके अलावा जगन की दुकान में एक फ्रंट स्टॉल बॉय भी होता है, और इसके अलावा एक वॉचमैन होता है जगन की दुकान के आगे, रिटायर्ड फौजी होता है, उसको वो कहता है कैप्टन। जगन जब भी स्कूल के बच्चों को अपनी दुकान के आगे देखता है तो वो अपसेट फील करता है, और इसके अलावा जगन की दुकान पे अगर कोई भिखारी आते हैं, बेगर्स अलाउ होते हैं, तो वो केवल और केवल फ्राइडे को अलाउ होते हैं। इसके अलावा किसी भी दुकान पे वो कैप्टन को कहता है कि यहाँ पे कोई भिखारी नहीं दिखना चाहिए। जगन जब घर जाता है तो अपने लड़के मालिक को लोली स्टैचू के पास में देखता है, और जब वो देखता है तो उसके येलो शर्ट पहनी होती है, उसी से वो पहचानता भी ये माली है। जगन का जो नॉलेज है एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो लिमिटेड है, और वो भी केवल बस एक पोल स्टार के लोकेशन को देखते हुए इसका आइडिया लगाता है। इसके अलावा जगन अपने दांतों को जो ब्रश करता है वो मार्गोसा ट्री से जो ट्विग बने होते हैं मार्गोसा ट्री से, उनसे वो करता है, वो ब्रश का यूज़ नहीं करता है। वो जो मार्गोसा ट्री होता है नीम का पेड़, उसको बोलता है अमृता, एम्ब्रोसिया या फिर संजीवनी, उसको वो नाम देता है मार्गोसा ट्री को। जगन का जो फर्स्ट क्लेश होता है अपनी वाइफ के साथ में वो होता है एस्प्रिन को लेकर, कि जब उसका सर दर्द करता है, उसको हेडेक होता है, तो वो कहती है कि आप उसको मेरे को एस्प्रिन दे दो, लेकिन जगन जो है उसको एस्प्रिन देने के लिए मना कर देता है। और इसी एस्प्रिन को लेकर जगन और उसकी वाइफ अंबिका के बीच में फर्स्ट क्लेश होता है, जबकि जगन कहता है कि आप मार्गोसा फ्लावर्स को घी में फ्राई करके आप ले लो, आपका हेडेक कम हो जाएगा। मालिका जो रूम है उसके अंदर ना तो कोई वेंटिलेटर है ना ही कोई विंडो है, और ये मालिका रूम जो है वो कूल रूम कहा जाता है। जगन जो है वो अपसेट हो जाता है जब माली डिक्लेयर करता है कि अब से वो कॉलेज नहीं जाएगा स्टडी के लिए, तो जगन जो है वो पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जगन क्या है, एक कोवार्डली फादर है, डरता बहुत है, इसलिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। जगन जो है वो खुद अपने लड़के के लिए, माली के लिए खुद खाना बनाता है जब अंबिका की डेथ होने के बाद। जगन के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 एनआरस है, और इसके बारे में उसने एक बुक में पढ़ा था, और जिस बुक में पढ़ा था उसका नाम है द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक लिखी गई थी दादाबाई नौरोजी के द्वारा। कजिन जो है जगन के पास में रात को 10 बजे आता है, और ये इन्फॉर्म करने के लिए कि माली जो है वो एक राइटर बनना चाहता है, जबकि माली अपने टीचर्स को ये कहता है कि उसके पिताजी जो जगन हैं वो उसको अमेरिका भेज रहे हैं। इसके अलावा हमें माली से पता चलता है कि आनंद भवन के जो लोग हैं वो जगन को ब्लैकमेल करते हैं, इनकम टैक्स को लेकर ब्लैकमेल करते हैं, ये बात हमें कजिन के थ्रू पता चलती है। माली जो है अपनी बुक्स को आनंद भवन मॉल के अंदर फाड़ देता है और उनको फायर के अंदर डाल देता है, यानी कि वहाँ पे उनको जला देता है। और उसके बाद माली एक पोएम लिखता है, किस पर टॉपिक क्या होता है, ऑन द ग्रेट फायर। और माली जो है अरिंदा भवन नामक स्थान पर डोसा खाता है, और उसका जो बिल बनता है वो बनता है 3 रुपीज़। माली अपने बुक्स लेसन और सिलेबस से इतनी नफरत करता है कि वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। जगन जो है हमेशा से ही जब माली की ब्रेकफास्ट टेबल होती है, जब माली के लिए ब्रेकफास्ट वो लगाता है, तो वहाँ पे 5 रुपये का नोट एक रख देता है,
जो कि जगन और माली के बीच में एक मीडियम का काम करता है। जगन जो है, जब उसको पता चलता है कि माली राइटर बनना चाहता है, तो वो माली के लिए एक टेबल, एक वाइट पेपर और एक पेन खरीदना चाहता है। माली जो है आनंद निकेतन भवन के अंदर एक राइटिंग नोवेल कंपटीशन के बारे में पढ़ता है, और वहाँ से उसको पता चलता है कि जो भी कोई बेस्ट नोवेल लिखेगा उसको 25,000 रुपये इनाम के अंदर मिलेंगे। बेस्ट नोवेल का जो विनर होगा वो प्राइज़ के रूप में 25,000 रुपीज़ उसको मिलेंगे। तो माली जो होता है इसके लिए कॉलेज की लाइब्रेरी से कूपन को कट करता है, और नोवेल को सबमिट करने की जो डेट होती है वो होती है 13 सितंबर। जब अंबिका की डेथ होती है तो माली की एज होती है वो 6 ईयर होती है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ, 6 सही कर लेना आप। माली जब अंबिका की डेथ होती है तब माली की जो एज होती है वो होती है 6 ईयर। माली होता है वो बड़ा होता जाता है। अब अंबिका की डेथ के बाद जगन और माली के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, और वो जगन से बहुत कम बातें करता है। जब वो बुक लिखता है तो जगन जो है वो 3 लोगों को बताता है कि माली इज़ राइटिंग ए बुक, और चौथा जो बंदा होता है वो होता है उसकी दुकान का हेड कुक शिवारमन। जगन जो होता है वो थोड़ा सूदी फेल्ट करता है कजिन की फ्लैटरी पे, तो वो कहता है कि आई डो नॉट एक्यूमुलेट मनी, आई जस्ट ग्रो, इट जस्ट ग्रो नेचुरली। ये जो स्टेटमेंट आती है वो आती है जगन की। इसके अलावा जगन और माली के बीच में जो लिमिटेड लिंक बना होता है वो केवल और केवल 5 रुपीज़ के नोट को लेकर बना होता है, जो कि जगन हमेशा से ही ब्रेकफास्ट टेबल पे रख देता है। जब माली ब्रेकफास्ट करने आता है तो उसको उठा लेता है और यूज़ कर लेता है। जगन जो होता है वो जब आनंद भवन सेठ जो होते हैं उनके द्वारा जो घी यूज़ किया जाता है, जगन उसको लाइक नहीं करता है, तो बोलता है कि ये क्या है, प्योर घी नहीं है। आज की वीडियो में अपने इतने ही टॉपिक्स पे बात करेंगे, और इसके बाकी जो बचे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अगर ये आपको वीडियो लाइक पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।